अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो यार आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खैरियत हो गए। तो यार बेसिकली आज की वीडियो जिस चीज़ पर है वो तो आप लोगों ने देख लिया कि किस चीज़ पर है, वो तो आप लोगों देख कर आ गए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो जो है बेसिक टिप्स पर है। तो यार बेसिक टिप्स क्या होती हैं? बेसिक टिप्स आपको बेसिकली हेल्प करती हैं पबजी को सही तरह से खेलने में। मतलब उनको अप्लाई करने के बाद आप बोलोगे यार ये हमें क्या हो गया, हम तो इतने नूब होते थे। मतलब डैमेजर की वीडियो देखकर उसकी टिप्स अप्लाई करके हम लोग भी प्रो बन गए। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, टीडीएम होता ही छोटा है। बाकी तुम लोग देख सकते हो इसमें जो नया अपडेट आया है, मेरे को बड़ा पसंद आया यार। क्या ही अपडेट है। तुम लोग देख लो यार, इसका नाम पता नहीं हैंगर है, हैंगर कपड़े इस पे टांगो। बाकी ये है ना, देख सकते हो आप लोगों ने अगर खेला है तो यार कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे को तो ये बड़ा तगड़ा लगा, मतलब बोरी लगा। बाकी आप लोग बता देना कैसा लगा आपको, ठीक है ना। तो पहली टिप की बात, टिप्स एंड ट्रिक्स की, मतलब बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें ना, तो पहले पे आता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का तो अभी आपको पता होगा, आजकल हर पबजी प्लेयर को जायरोस्कोप का पता है। क्या है जायरोस्कोप वो तो आपको बताना मेरा, ठीक है ना। तो जायरोस्कोप पता है आपको कि कैसे हेल्प करता है, नहीं पता तो जाओ वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो डली हुई होंगी, ठीक है ना। तो जायरोस्कोप एक्टिवेट करोगे ना, उसके बाद जो है ना तुम लोग अपनी गेम प्ले चेक करना, क्योंकि जायरो को बेसिकली एक्टिवेट करने के बाद तुम लोग 2 से 3 दिन सही गेम प्ले नहीं खेल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ तुम लोग मेरे को सल्यूट करोगे। इसका मतलब कैसे यार, तुमने कैसे हमें इतना प्रो बना दिया, ठीक है ना। तो जायरोस्कोप करो एक्टिवेट, बड़ी तगड़ी चीज़ है जायरोस्कोप। अब मैं मरा, मतलब बच के आ गया कैसे, मतलब कैसे बच के आ गया, हिट लाइक यार, इस बात के लिए तो हिट लाइक, कैसे बच के आ गया मैं। तो यार जायरोस्कोप तो आपको ऐसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है, तो यार इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत आला प्लेयर बन जाओगे, ठीक है। ओह माय गॉड, बाकी जो है ना तुम लोग और गेम चेक कर लो, मेरा बहुत तगड़ा है यार, तुम मुझे भी सपोर्ट दिखा दो, ठीक है ना। और बाकी जो है दूसरी टिप की बात तरफ चले ना, तो दूसरी टिप में आता है हमेशा, हाँ मतलब कभी भी क्लोज रेंज में स्कोप तो मत खोलना। मतलब स्कोप अगर तुम लोगों ने गलती से भी खोला ना, तो तुम लोग पे ले जाओगे, बड़ा गंदा पे ले जाओगे। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ ना, तो वो मैं अपने पे भी बेसिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं सही से उस बात को कंफर्म करता हूँ, फिर ही मैं वीडियो उस पर बनाता हूँ। यार एमो ख़त्म हो गई। तो जो है दूसरी जो है ना, क्लो ओपन में कभी भी ये नहीं खोलना, क्योंकि जो है ना जब आप इसको खोलते हो ना, तो ये बेसिकली फायर करना शुरू हो जाती है सिंगल की तरह, लेकिन बंदे को मारने के लिए चाहिए ऑटो, तो इस वजह से आपकी हो जाती है वो। कभी कभी आपकी लग भी जाती है एक दो गोली और बंदा नॉक हो जाता है, जबकि उसको फुल डैमेज होता है जब ही वो होता है, मतलब फिनिश, ठीक है ना। तो तीसरी की तरफ चले ना, तो तीसरी टिप में आपको मैं बताऊँ कि जो है ना, हमेशा जो है ना, जब भी बंदा कवर में हो ना, तो आप उसको फायर करते रहना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंदा हो जाएगा कंफ्यूज, उसके हाथ कांपना शुरू कर देंगे और वो निकलेगा रश करने, और जैसे ही वो रश करने निकलेगा ना, तो आप उसको पे, आपकी तो बुलेट्स वैसे ही चल रही होंगी, आपको जैसे मैंने बताया कि बुलेट चलाते रहना, वैसे भी आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा, बुलेट से ही जा रहा है, पबजी वालों के ही पास से जा रहे हैं, मतलब। तो है ना, चलाते रहना, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि बंदा हड़बड़ी में निकलेगा और जो है ना वो जो है ना, मतलब वो कर देगा, मतलब समझ रहे हो ना, फायर करके उस जगह से तो कभी भी मत निकलना, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम बंदे को फायर करते हो, तो बेसिकली बड़े मैप में, मतलब क्लासिक में, उसका जो है ना फुटप्रिंट्स, मतलब जब तुम फायर करते हो तो प्रिंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो मतलब वो जो है ना देख लेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करना, जैसे
बंदा यहाँ पर है ना, जैसे बंदा यहाँ पर है, एक मिनट, इसके पीछे है, इसके पीछे, ठीक है ना। तो तुम लोग ऐसे फायर करो, वो कवर में जा रहे हैं, ऐसे फायर करो और फिर ऐसे फायर करो। ये वो बार बार कवर से भागे, ये देखो अभी मेरी ये गलती हो गई, मैंने स्कोप खोल दिया जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियों की वजह से काफ़ी पबजी प्लेयर हो जाते हैं उनका, हालांकि उनका गेम प्ले अच्छा होता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो है ना वो खेले जाते हैं। मतलब इतने बोट इतने बोट कैसे, हाउ, बाकी तुम लोग जो है ना कभी भी ऐसी गलती मत करना यार, पिले जाओगे, ठीक है ना। मेरी बचत हो गई, बाकी तुम लोग पिले जाओगे यार। तो अभी बता दूं कि जो है ना तुम लोग हमेशा जो है ना दूसरी दूसरी अपनी पोजीशन चेंज करना, पोजीशन जैसे ही तुम लोग चेंज करोगे ना, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, उस बंदे को लगेगा कि तुम वहीं खड़े हुए हो, लेकिन पीछे के कवर लेके तुम लोग पोजीशन चेंज करके उसको वहाँ से फेल दोगे। तो यार यही था मेरी, मतलब मेरी अपनी मतलब पर्सनल वीडियो। तो यार इस पे लाइक सपोर्ट दिखा देना, ठीक है ना, कल सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरी पहली वीडियो थी इसलिए यार देखता हूँ आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, बाकी फिर आपको मैं बताऊँगा, सही है ना, कि मैं डालूँगा वीडियोज़, यानी मैं बेसिकली डालूँगा, ये तो मैं 100% श्योरिटी हो गया हूँ। मेरे पे चढ़ गया यूट्यूब का भूत, और अभी जब भी जाएगा, जब भी आप लोग मुझे फुल फॉलो मतलब फुल फेमस करके खड़े रखोगे, मतलब अभी इसको कैसे पिलाया। तो यार अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग गेम प्ले चेक करो, ठीक है ना। ऐसी गलती तो तुम लोग कभी मत करना है यार, मतलब एक को डैमेज दिया उसको पेला ही नहीं। तो यार बाकी आप लोग कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा इसमें मैप अच्छा लगा, ये लगा या नहीं लगा, क्योंकि मेरे को तो ये बड़ा ख़तरनाक लगा, ठीक है ना, मेरे को बड़ा पसंद आया, जब भी दोनों मैच इसमें लगाए मैंने इस मैप में। बाकी आप लोग गेम प्ले चेक करो मेरा, मतलब कैंपिंग लेवल 101, मतलब छत पे बैठे हुए कैंपिंग करने के लिए, ऐसे ऐसे डैश इंसान है लोग। चलो लास्ट के लिस्ट से ही करते हैं। अबे ये कहाँ गई, ओए मैंने गलती से उसको रीलोड कर दिया। तो यार तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मेरी तगड़ी वीडियोस आप तक आ सकेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।